दो ही अल्लाह का ऐसा अनुकरण हुआ सर आ गया कि अल्लाह ताला इसी तरह मुसलमान ने ये सुन्नत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करने की तौफीक दी और सबको समझ अता फरमाए। आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताएंगे कि जिसकी चर्चा सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि जिसकी चर्चा पूरे देश में है। ऐसे तो आपने हजारों शादियां देखी होगी लेकिन ये जो शादी आज आपको बताएंगे ये हजारों शादियों से हटके एक अनोखी शादी है। जैसा कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बताया कि निकाह को आसान करो ताकि किसी बेटी के बाप को या बेटे के बाप के ऊपर बोझ ना बने, ये शादी बोझ ना बने और बआसानी से शादी हो। इसलिए इस्लाम में इसकी तो बहुत सारी मिसालें देखी गई है लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलते हुए उसी के तर्ज पर ये जो महाराष्ट्र के रावेर गांव है यहाँ पर भी एक आदर्श विवाह देखने को मिला जो लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है। आप आगे वीडियो में देखिए। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि शादियों पर, शादी की सादगी पर और इन तमाम चीज़ों पर तकरीरें बहुत होती है। आज हमारे नौजवानों ने इसका अमली सबूत दिया है कि सादगी के साथ शादी कैसे होती है। साथ ही साथ उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार ये भी काबिले मुबारकबाद हैं कि ऐन वक्त पर शादी और उकदे खानी का तय किया गया। अभी मुसलमानों के अंदर ये चीज़ बाकी है कि वो इस किस्म के अंदाज को अख्तियार करें। आज के इस दौर में जहाँ दिखावा, बड़ाई और फजूल खर्चा बहुत हो गई है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सादगी के साथ शादी करना चाहते हैं। ये बड़ी बात है और वाकई ये हमारे दोनों नौशा काबिले मुबारकबाद हैं, उनके वालिदैन भी काबिले मुबारकबाद हैं, अहले मोहल्ला और यूसुफ भाई के जो रिश्तेदार हैं इनकी पोतियों को जिन्होंने मदद की है, ये इस बात का सबूत है कि आज भी हमारे अंदर यतीमों बेवाओं की मदद का जज्बा मौजूद है। अल्लाह ताला इसके कबूल फरमाए और इन शादियों को अल्लाह ताला खैर और बरकत का जरिया अता फरमाए। मोहतरम, पूरे कौमों मिल्लत को मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज इमामबाड़े के अंदर दो यतीम लड़कियों को अकदखानी हुई, ये असल में ये जो रिश्ता है ये रिश्ता पक्का होने की रस्म अदा होने वाली थी लेकिन सभी मोहल्ले के लोगों ने और जो जिम्मेदारान लोग हैं और सरपरस्त है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और एक रिश्ता तय होने को ब्याह मांगने का जिसकी रस्म कहते हैं उसको एक अक्द में बदल दिया और सादगी से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके से जामा मस्जिद के अंदर अक्द हुई। मैं ऐसी पूरे समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला पूरे मुस्लिम समाज में इसी रस्मों की अल्लाह हिदायत दे। आज की जो निकाह की तकरीब हुई मैं सबसे पहले तो दोनों दूल्हों का और उनके वालिदैन का और तमाम रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सादगी के साथ इस निकाह को अंजाम दिया। हमारे मरहूम रईस भाई, उनकी दो बच्चियाँ थी, आज रस्म मंगनी का प्रोग्राम था असल में, मगर कुछ मोहल्ले के नौजवान, कुछ जमात के लोग, तंजीम के लोग साथ में बैठे और दोनों को सुलह करवाई कि हम इस रस्म मंगनी को निकाह में तब्दील कर देते हैं। दोनों ने लब्बैक कहा और बड़ी सादगी के साथ इंशाल्लाह आज निकाह अदा हो गया। मैं दोनों खानदान का शुक्रिया गुजार हूँ और शुक्र अदा करता हूँ और आने वाले जितने भी निकाह हो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि लोग इतनी ही सादगी से इसको अंजाम दें। निकाह हुआ है, मैं उसके मुबारकबाद देता हूँ और इतना अच्छा निकाह आज मुसलमानों में बहुत बड़ी समझदारी की बात आ जाएगी इंशाल्लाह। सब मिलके ऐसा करें और दोनों बच्चों ने इतनी बड़ी कामयाबी का काम किए कि आज हमको सबको सबक सिखाया उन्होंने कि भाई निकाह कैसे करना चाहिए और दोनों बच्चों को अल्लाह ताला बहुत बहुत अच्छा रखे और उनका नेक जोड़ा हमेशा के लिए कायम रखे। अल्लाह का ऐसा अनुकरण हुआ सर आ गया कि अल्लाह ताला इसी तरह मुसलमान ने ये सुन्नत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करने की तौफीक दी और सबको समझ अता फरमाए।